अरविंद भाई, हमने आपसे मिलने का समय मांगा और पहली बार नहीं मांगा, इसके पहले भी बहुत बार मांगा, पत्र भी लिखा। पूरी दिल्ली सीलिंग के मुद्दे पे परेशान है। लोग पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में एक सरकार आपकी आई, आपने सारे वादे किए और उसको पूरा होना चाहिए था। लेकिन आज जब आपने समय भी दिया तो ये जो तरीका, हम कभी भी खुले में बहस करने से नहीं भागते। हम तो बार बार आपसे कहते थे हमको खुले में मिलिए आप, नहीं ठीक है। लेकिन जब हमने आपसे समय मांगा, आपने हमसे मिलने से पहले पूरा मीडिया बुला लेना, ये आज पूरा देश भी देखेगा, दिल्ली भी देखेगी। ठीक है, आपका जो मिलने का तरीका है यही, उसका हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है, हमारी तो मांग और हमारे आपसे मिलने का कारण सिर्फ 3 पॉइंट का है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जो 351 सड़कों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ 3 साल में, क्यों कोर्ट में जाकर के आपको 2 साल का और समय मांगना पड़ा, और जो अनऑथराइज दिल्ली की ऑथराइज करने की बातें थी वो क्या हुई। ये 2 बातों पे आपसे जानकारी लेने आए हैं, हम विपक्ष में खड़े हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि इस पे आप जवाब दे दें। जहां तक एलजी से मिलने का सवाल है, हम जब चाहते हैं तब मिलते हैं और आपसे बात करने के बाद हम उनसे भी मिलेंगे। हम इस देश की सारी एजेंसियों से मिलना चाहते हैं जो दिल्ली के लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। और हम आपसे ये भी प्रार्थना करने आए हैं कि इस मुद्दे पे भी आपको एक सेशन बुलाना चाहिए विधानसभा का, जिस पे स्पेशली इसी की बात हो। और हमें आप बुला लीजिए, हमारे सभी सांसद, मेयर भी, हमारे सभी एमएलए तो खैर रहते ही हैं, हम लोग बैठ करके वहां बहस करने को तैयार हैं, निकाल देते। लेकिन दिल्ली की समस्याओं को दूर करने की बजाय हमेशा इस प्रकार के जो क्योस फैल जाते हैं, इससे तो दिल्ली की जनता परेशान है, आप भी जानते हैं। हम आपसे आज सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारे 351 सड़कों का क्या पोजीशन है, इसको नोटिफाइड होना था, और अनऑथराइज दिल्ली को ऑथराइज करने का स्टेटस क्या है। बदतमीजी से दिल्ली परेशान है, इस बदतमीजी से दिल्ली लोगों के नाम परेशान है, बहुत बदतमीजी से दिल्ली परेशान है। आप लोग देखिए, मैं इसी स्थिति को बचाना चाहता था। मैं आपने तो मुझे समय दिया, ये मेरा इंसल्ट कर रहा, ये करना शेम शेम। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं भाषण देने नहीं आया भाई साहब, मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता की समस्या को लेकर आया हूँ। हम इस पे राजनीति नहीं करते, राजनीति करना होता तो हम ऐसे चल के नहीं आते। हम हमारे साथ एनसीडी के 3 मेयर हैं, कोई तीसरी पहुंच रही है बात जान में, एक बोली सब लोग हैं। आप हमसे, हमने ज्वाइंट सेशन बुला करके इस दिल्ली को जितना रिलीफ जिस तरह से हो सकता था, हमने उसका रिकमेंडेशन किया है। उस रिकमेंडेशन को अब आप अपनी विधानसभा से भी, जिस स्तर से हो सकता है उसको आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारी आपसे विनती है कि जब हम सभी
हम भी चाहते हैं आप भी चाहते हैं फिर भी दिल्ली की जनता क्यों परेशान है इसके लिए हम आपसे अगर एमसीडी को अभी भी कुछ करना है आप मुझे बता दो हम सब करके देने को तैयार है।